डोरेमोन मूवी नोबिता स्टील ट्रूप्स न्यू एज 2.0। क्या ये मूवी आ सकता है कभी भी? क्योंकि डोरेमोन मूवी नोबिता स्टील ट्रूप्स न्यू एज आते हुए 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। देखो, मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि डोरेमोन मूवी नोबिता स्टील ट्रूप्स 2.0 आ सकता है। इसका आने का एक चांस है और एक चांस नहीं भी है। तो पहले खुशखबर से स्टार्ट करता हूँ, फिर बाद में मैं बोलूँगा कि क्यों नहीं आ सकता है। चलो पहले बोलता हूँ कि क्यों आएगा ये मूवी। तो देखो, डोरेमोन मूवी नोबिता न्यू स्टील ट्रूप्स न्यू एज 2.0 आने के जो चांसेस है वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न है, तुम लोगों को, सभी लोगों को तो लास्ट सीन पता है। वहाँ पर देखा जाता है कि पिप्पो और रिरुरु जो है वो वापस आ चुका है। तो देखो, इस टाइप के जो एंडिंग्स होता है उसके ऊपर एक मतलब उसके सेकंड पार्ट मैक्सिमम टाइम ही आता है। बहुत कम टाइम ऐसा हुआ कि इस टाइप के एंडिंग के बाद सेकंड पार्ट नहीं आया है। तो उस हिसाब से हम लोग एक होप कर सकते हैं कि डोरेमोन मूवी नोबिता स्टील ट्रूप्स 2.0 आएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि कब तक आएगा। तो देखो, मुझे जो लगता है कि डोरेमोन मूवी नोबिता स्टैंड बाय मी 3 प्रोबेबली नेक्स्ट मूवी होने वाला है डोरेमोन प्रोडक्शंस के। तो शायद से मुझे जो लगता है कि इसके बाद ही या इसके बाद के बाद मूवी शायद से स्टील ट्रूप्स 2.0 हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये मूवी क्यों नहीं आएगा। तो देखो, 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, आने का कोई चांसेस अभी तक नहीं देखा जा रहा है, बट फिर भी होप तो रख सकता है। एंड देखो, इतना टाइम हो गया है एंड मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर और दूसरे कोई स्टोरी हो सकता है। मतलब अगर उन लोगों को इसके पार्ट 2 बनाना है तो शायद से स्टोरी को कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि ये मूवी अगर आया भी तो कब तक आ सकता है। तो देखो, मुझे नहीं लगता 2030 से पहले आएगा ये मूवी। तब मेरे जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि देखो 2025 या 2026 में आने वाला है डोरेमोन मूवी नोबिता स्टैंड बाय मी 3 आने का चांसेस है। उसके बाद शायद से एक और मूवी आया तो वो आएगा 2028 या 2029। अगर उसके बाद कोई मूवी नहीं आया डोरेमोन मूवी नोबिता स्टील ट्रूप्स 2.0 के ऊपर अगर काम भी किया तो भी चलो मान लेता हूँ 2028 में ही आएगा, 2028-2029। मतलब अभी सब कुछ होप के ऊपर ही डिपेंड करता है, देखते हैं सामने क्या होता है। तो वीडियो बस इतना ही था। आई होप कि तुम सब लोगों को अच्छा लगा, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और सुजुमे नोतोजी पारी के ऊपर रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है।